नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जराहट के आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी तो भैया आज हम बताएंगे कपूर के द्वारा कैसे शनि देव को संतुलित किया जाए शुभ किया जाए शनि की वक्र दृष्टि शनि की साढ़े साथी शनि का अढ़ैया शनि का प्रभाव अगर आप पर है इस ब्रह्मांड में आधा भाग शनि का है जहां अंधेरा है वहां शनि है तो शनि के दोष शनि का अवरोध शनि की प्रताड़ना ये सब अगर संतुलित न किया जाए तो शनिदेव आप सबके लिए काल बन जाते हैं जिनके भी जीवन में शनि संबंधित भोग होता है जिनके भी जीवन में शनि से संबंधित भोग होगा उनके लिए कही न कहीं ना कहीं जन्मांक में मकर और कुंभ राशि दूषित दिखाई देगा परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा अगर ना हो तो हिला देते हैं शनिदेव शनिदेव हिला देते हैं आज कपूर का प्रयोग बताएंगे कपूर से कार्बन डाइऑक्साइड दबता है कपूर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है अभी कोविड में आप लोगों ने देखा होगा कि कपूर की पोटली कपूर अजवाइन क्या क्या पोटली बना के सूंघने के लिए कहा गया वहीं से यह विषय निकाला हमने कोविड से निकला हुआ यह विषय है कपूर से शनि को कैसे बेहतरीन किया जाए शनि दब जाएगा शनि कार्बन डाइऑक्साइड है शनि सफोकेशन है घुटन है प्रयोग नोट कर लीजिएगा अनोखा अनूठा सबसे शुभ यह प्रयोग सबके लिए है हर किसी के लिए अगर आपकी साढ़े साथी जैसे अभी धनु की उतरती साढ़े साथी मकर की मध्य साढ़े साथी और कुंभ की चढ़ती साढ़े साथी धनु मकर कुंभ ये तीन की साढ़े साथी है अढ़ैया किसकी किसकी है चौथे और आठवें अगर शनि हैं तो चौथे हो गए तुला वालों के और आठवें हो गए मिथुन वालों के तुला मिथुन धनु मकर कुंभ पांच राशियों पर तो अढ़या और साढ़े साती है हालांकि तमाम और कुंडली के ग्रह निर्धारित करते हैं लग्न निर्धारित करता है कि फल कैसा मिलेगा बिना लग्न के नहीं बताया जा सकता और सिर्फ लग्न लग्न नहीं नौमांश लग्न भी चलित लग्न भी वो सब बहुत कुछ कैलकुलेट किया जाएगा लेकिन प्रथम दृष्टया शनि के किसी भी दोष को बहुतों को काल सर, सर्पल सर्प सब बता देते हैं हालांकि काल सर्प दोष तो होता ही नहीं है इस पर हमने अलग से वीडियो डाला है वो भी आप निपटा लीजिए कपूर का प्रयोग अनूठा प्रयोग दिव्य प्रयोग अद्भुत प्रयोग विलक्षण प्रयोग नोट कर लीजिएगा यह खास प्रयोग एक कपूर की टिकिया ले लीजिए छोटी सी कपूर के छोटे छोटे टिक्किया भी आते हैं और बड़े भी आते हैं चौड़े चौड़े तो कपूर की टिकिया एक ले करके और पीपल के पत्ते पर रखिए ये ये अनिवार्य है मतलब पीपल का पौधा नहीं है तो उसके लिए उपाय निरर्थक जा सकता है वैसे अल्टरनेट दे दूंगा लास्ट में पीपल के पत्ते पर कपूर का एक टुकड़ा रखिए छोटा सा ठीक बायांग शनि का उल्टे हथेली पर रख लीजिए ध्यान दीजिएगा इस अंगुली से इसको स्पर्श करिए नजदीक लाइए तीन बार इसको तेज सांस से सूंघ लीजिए कपूर को तीन बार थ्री टाइम्स ठीक इसके बाद इसी रिंग फिंगर से ही दाहिने नाक को ऐसे दबाना है और बाई नाक की सांस बाहर छोड़नी कपूर हटाकर इस पूरी क्रिया के दौरान मन में ओम शम शनिश्चराय नम नमः ना नापे आय की मात्रा है मंत्र देख लीजिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है ओम शम शस एच ए एम ओम शम शनैश्चराय नम नमः नम शनैश्चराय नम उच्चारण देखिएगा शनैश्चराय नमः नमः ये यहां आवाज यहां से निकलेगी मंत्र तब तक फलित नहीं हो सकता जब तक उच्चारण करने की कला और विधि आपको ज्ञात ना हो हास्यास्पद लगता है जब उच्चारण में ही लोग गच्चा खा जाते हैं छलने वाले ठगी अकाराय न कुछ भी बोल देंगे आप लोग देखा करिए आप उसको अंतिम सत्य मानेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको नहीं पता है तो जो बोल दिया सामने वाला उच्चारण अगर उच्चारण नहीं सही है तो कुछ का कुछ हो जाएगा कुंभकर्ण देखिए कुछ पाना था कुछ पा गया था इस मंत्र का जाप चलता रहेगा इसके बाद इस पत्ते को ले जाकर के किसी पौधे के नीचे रखकर माचिस से कपूर जला दीजिए हर अवस्था में स्त्री कर सकती है स्वतः करना है बच्चे के लिए भी स्वतः करना है ये नहीं कि बेटवा के महतारी कह दें और मर्देक महरारू दे और के मेहरारू कह दे दें और है काम ये सब ना चली खुद करे भाई हमने क्या कहावत है खाए तोर माई मोटाए मोर दादा हम पूछते हैं लोगों से जब महतारी आप पूछती है माए कि आचार्य जी तो मानेगी नहीं आचार्य जी तो मानेगा नहीं हम कर लें उसका हिस्सा तो मैं पूछता हूं कि आप खाना खाइए और उसको डकार आ जाए तो कर दीजिए आप लॉजिक भाई अगर मां खाना खा ले और बेटवा कहीं सौ किलोमीटर दूर है उसको डकार आ जाए बिल्कुल क्षुदा शांत पेट भर गया तो हर कीमत पर ठोक के कहता हूं कि आपका हर किया उसको लगेगा लेकिन अगर उसकी भूख नहीं मिटी आपके खाने से तो आपके व्रत से भी उसको फल नहीं मिलेगा सीधा तर्क है हाँ आपका आशीर्वाद लगता है आपका पुण्य बल लगता है जैसे आपने दान किया तो वो बच्चे को लगेगा आपने सौ लोगों का पेट भरा बच्चे को लगेगा है ये थोड़ा है कि तू खाना खाया तो उनके डकार आई जाए ऐसे थोड़ा होते तो जो जस कर जश करें स्वत फलता का उनको खुद करना है तो बच्चों का वही करेंगे बच्चे हाँ बहुत छोटा बच्चा है चार पाँच साल का है तो तो आपे का आहार लेता है तो लीजिए चार साल तक तो लीजिए चार साल तक के बच्चे का माँ कर सकती है उसके ऊपर नहीं करना है उसके ऊपर उससे खुद करवाइएगा बस शनिदेव आप सब पर खूब कृपा बरसाएं आप लोग का खूब प्यार हमें भी मिलता रहे परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना हम उससे करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप सबके जीवन में मंगलकारी हो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए खूब खुश रहें प्रसन्न रहें हंसते रहें नमस्कार राधे